दोस्तों भैया यहाँ पर करारे करारे नोट लेकर आए हैं सप्लीमेंट्स वाला। भैया कितने पैसे लेकर आए हो आप? तकरीबन 8-8.5। 8,500 रुपए लेके आए हैं भाई, वाह। आज तो सप्लीमेंट चला पर बढ़िया सेल होगी। भैया दिया 8,500 का सप्लीमेंट मैंने? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? भैया क्या खाया था? चूरन चटनी खाई थी जी। क्या हुआ उससे? फिर भूख लगी, वजन बढ़ गया, उसके बाद छोड़ने के बाद फिर घट गया। फिर घट गया। और अब भूख का क्या हाल है? भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है। बिल्कुल भी नहीं लग रही। और भैया 8,500 रुपए लेके आ गए। भैया दे दो पावर मास गेनर। नहीं दूंगा पावर मास गेनर, सेल का गोल नहीं है मेरा यार। मेन समस्या है भूख की, तो पहले इनकी भूख बढ़वाऊंगा। और भैया मेरे सिर पे हाथ रखो, आप चूरन चटनी नहीं खाओगे? चूरन चटनी नहीं खाएंगे। ओ भाई मेरे सिर पे हाथ रख रहे हो यार, भाई मरवा मत देना मुझे यार। कभी नहीं खाएंगे, कभी नहीं खाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने भी चूरन चटनी खा ली है, भूख मर गई है, तो पहले भूख को जिंदा करो। क्या लेना है आपको? भैया पैसे रख लो पहले अपने, 8,500 रुपए दूंगा सामान पर, 8,500 का नहीं। स्टारक्स न्यूट्रिशन गट पावर, ये है नंबर वन सप्लीमेंट भूख बढ़ाने के लिए। दुबले पतले हो, खाया पिया नहीं लगता है, तो आप लीजिए गट पावर एक टैबलेट रोजाना लंच करने के बाद पानी के साथ। इससे धीरे धीरे भूख बढ़ेगी, जो भूख बढ़ेगी वो टिकेगी, जाएगी नहीं। और भूख बढ़ेगी तो खुराक बढ़ेगी, खुराक बढ़ेगी तो शरीर भर जाएगा। तो दोस्तों गट पावर लो, चूरन चटनी मत खाओ। ग्वालियर में एक भाई अपनी जान से हाथ धो बैठा इन चूरन चटनी के चक्कर में, आप मत खाओ यार। और भैया कैसा लगा आपको यहाँ के? बहुत अच्छा। कहाँ से आए हो? बहराइच से। बहराइच से आए, लखनऊ आउटलेट। क्या नाम है? मेरा नाम है गुलाब बाबू। भाई वाह गुलाब बाबू। बाबू जी अब मत खाना चूरन चटनी, ठीक है भैया? हाँ गट पावर खाना एक टैबलेट रोजाना लंच करने के बाद पानी के साथ। तो भैया आप भी चूरन चटनी से बचो और सप्लीमेंट्स लाओ, क्योंकि यहाँ सेल का गोल नहीं है, यहाँ पर गोल है आपकी सेहत का ख्याल रखना।